सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन क्या कहते हैं सेम ट्वेंटी एट जैसा क्वेश्चन है सेम टू सेम वैसा ही बनेगा

है आपको मानना है बस ठीक है तो लेट लेट फर्स्ट रूट बी एक्स अगर हम पहले रूट को एक्स मान लेते हैं देन सेकेंड रूट विल बी क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स हो जाएगा होगा कि नहीं होगा ही सर क्योंकि हमको तो गिवन है सर ये आप लिख सकते हैं सेंस गिवन क्यों गिवन क्या गिवन है सर हमको तो गिवन है कि फर्स्ट रूट जो है वो सेकंड रूट का रेसी प्रोकल है सेकंड रूट जो है वो फर्स्ट रूट का रेसी प्रोकल है ऐसा आप मान सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए ठीक है ये मतलब दिया ही है आप देखिए अब आपको दिया है कि फर्स्ट रूट और सेकंड रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बताया था जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपके पास दो ही फॉर्मूलाज होने चाहिए सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी अपॉन ए ठीक है हाँ तो देखिए आपको बस देखना है कि C में आपका K, फिर से सर C की वैल्यू में ही आपका K है तो C बाय वाला फॉर्मूला लेंगे अगर ये K यहां ना होकर यहां होता ठीक है तो हम लेते माइनस बी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ सॉरी सम ऑफ रूट्स वाला लेते ठीक है अब देखिए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए होता है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा यानी कि x इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है सी आपका k है a आपका क्या है a आपका 5 है ठीक है हाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो गया आपका ये इधर वन से मल्टीप्लाई यानी कि देखिए फिर से लिख देते हैं फाइव के अपॉन फाइव इज इक्वल टू वन देअर फोर आपका के का वैल्यू क्या आ गया फाइव आ गया सर ठीक है बस इतना सा ही था ये क्वेश्चन और यहीं पे हमारा खत्म होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन बढ़ते हैं आगे